इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज कैसे आता है, कौन से वेज है चार्ज को लाने की। फिर हमने देखा था कि चार्ज के कारण क्या क्या चीजें पॉसिबल है, दैट इज चार्ज क्रिएट फोर्स ऑन अनदर चार्ज, फोर्स कैसे अप्लाई करता है, स्टैटिक चार्ज, चार्ज मूव नहीं कर रहा, चार्ज स्टेशनरी। फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट कर रहे हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने चार्जेस का एप्लीकेशन किया था, दैट इज ऑन द कैपेसिटर्स, जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। इन सभी चीजों में फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे पास चार्ज स्टेशनरी था, चार्ज मूव नहीं कर रहा, चार्ज वॉज नॉट मूविंग। और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर चार्जेस मूविंग चार्ज फॉर्म्स करंट, मूविंग चार्ज फॉर्म्स करंट। देखो किसी ने सोचा नहीं था कि यार करंट भी कोई चीज हो सकती है, ह्यूमन ने सोचा, ठीक है, और अदर एनिमल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट एग्जिस्ट, हमने उसको क्रिएट किया, वी हैव क्रिएटेड इट। हाउ वी हैव क्रिएटेड, वी हैव सीन दैट देयर इज अ लाइटनिंग इन द क्लाउड्स। वो क्या चीज है, हमने उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश की किसके ऊपर, लैब के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि ये मूवमेंट ऑफ कुछ किसी चीज का मूवमेंट हो रहा है, हमारे को नहीं पता किस चीज का मूवमेंट हो रहा है, तो हमने बोला ये चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, वो चार्ज के मूवमेंट के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। फिर हमने देखा कि यार मैं इससे क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, व्हाट आर द थिंग्स आई कैन डू विद द चार्ज। तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, दो डिफरेंट तरह के केमिकल्स दिए। देखो इलेक्ट्रिसिटी हम पानी से बनाना नहीं हमने पहले शुरू किया, पहले हमारे पास डीसी करंट बना था, पहले हमारे पास कौन सा करंट बना था, डीसी करंट बना था। लोगों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स दिए और दो केमिकल्स के बीच में एक वायर को कनेक्ट किया। उन्होंने देखा कि अगर मैं दो वायर केमिकल्स के बीच में एक वायर को कनेक्ट करता हूं तो वो वायर गर्म हो रही है, वो वायर क्या हो रही है, गर्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी आप अगर लेट से क्या करोगे, एक पेंसिल सेल लोगे, पेंसिल सेल के साथ एक पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ एक आप वायर को कनेक्ट कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो, आप देखोगे कि वो वायर गर्म होने लगते हैं, वो वायर गर्म हो रही थी, राइट। तब साइंटिस्ट कहते हैं ये क्या चीज है, ये वायर गर्म क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। कोई भी चीज होती है नेचर के अंदर, एंड फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, हम देखते हैं कि यार ये दो केमिकल्स हैं, दो केमिकल्स के बीच में अगर मैं एक वायर लगाता हूं वो वायर गर्म होगी, यानी कि मैं उससे हीट प्रोड्यूस कर सकता हूं उस वायर। फिर धीरे धीरे पता चला इट इज चार्ज विच इज मूविंग, इट इज द चार्ज विच इज मूविंग। नाउ द क्वेश्चन इज, हमने पूरी साइंस के अंदर ये पढ़ा था कि जैसे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पर स्टेशनरी है, वो हिल भी नहीं सकते, अगर कर भी सकते तो सिर्फ वाइब्रेशन कर सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। देन हाउ इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग द चार्ज या ब्रिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या चीज है, व्हाट इज द थिंग इन दिस वायर कि हमने इसको कनेक्ट किया, इस प्लग के साथ कनेक्ट किया और ये लैपटॉप चार्ज हो गया। What is thing is over there that the fan is running? Why? कैसे रन कर रहा है? हमने अभी तो हमारे को जेनुअन सी बात लगती है, ठीक है सर इसके साथ एक वायर लगाई और वायर में इलेक्ट्रिसिटी है, पर कैसे एक सॉलिड वायर के अंदर कैसी इलेक्ट्रिसिटी आई, हमने देखा तो नहीं है एक वायर के अंदर, वी कैनॉट सी द इलेक्ट्रिसिटी, वी कैनॉट सी द चार्ज मूविंग, बट इट इज मूविंग, बट इट इज मूविंग। तो हमने देखा कि सॉलिड्स के अंदर भी करंट हो सकता है, लिक्विड्स के अंदर भी हो सकता है और गैसेस के अंदर भी हो सकता है। तो हमने देखा कि सबसे इजी वे है करंट को सेंड करने का सॉलिड, तो हमने क्या किया, हमने देखो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को, अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए जैसे बन रही है भाखड़ा नंगल डैम में बन रही है, तो वहां से लेकर हमारे घर तक एक सॉलिड वायर का कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है, उसके थ्रू होते हुए हमारे घर तक करंट आ रहा है, करंट कैसे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक है हेडिंग डाल दो बेटा चैप्टर की, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी,
करंट और इलेक्ट्रिसिटी। और एक हेडिंग डाल बेटा दैट इज करंट कैरियर, करंट कैरियर। राइट डाउन द बेटा डेफिनेशन ऑफ करंट कैरियर्स। The charged particles, which constitute an electric current, in solids, or liquids and gases. are known as current carriers, और इसमें बेटा आप ए डालोगे current carriers के अंदर और उसमें लिखोगे solid। इसमें लिखो बेटा सॉलिड के आगे लिखो बेटा इन कंडक्टर्स, एग्जांपल मेटल लाइक कॉपर, कॉमा सिल्वर, कॉमा एल्युमिनियम एटसेट्रा। Free electrons, constitute an electric current. Full stop. Electrons in the outermost orbit of the atom. That is valence electrons, VALENCE, valence electrons of the conductor, are usually bound. These electrons can move in the whole conductor. And are known as free electrons. When external electric field is applied, these free electrons move in a definite direction, and constitutes electric current. Thus,
free electrons are the current carriers, are the current carriers in conductors, in conductors, in conductors. एक लाइन छोड़ के लिखो, इन इंसुलेटर्स, इन इंसुलेटर्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू देयर पेरेंट एटम, टू देयर पेरेंट एटम एंड हेंस and hence they do not have free electron, hence they do not have free electrons, and there is no current, and there is no current carriers, and there is no current carriers in the insulator. In an insulator, in an insulator. अब बेटा हमारे पास सबसे पहले अगर मैं सॉलिड की बात करूं, ठीक है, अब सॉलिड के अंदर अगर मैं वायर का क्रॉस सेक्शन लेके बड़ा समझ के दिखा रहा हूं आपको, राइट, एक वायर का क्रॉस सेक्शन ले लिया, बड़ा सा करके दिखा रहा है आपको। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास यहां पर एटम्स हैं, वी आर हैविंग एटम्स इन द सॉलिड व्हिच आर वेरी टाइटली पैक्ड, व्हिच आर वेरी टाइटली पैक्ड, और हर एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, बट जो कंडक्टर्स होते हैं, सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, बट जो कंडक्टर्स होते हैं उनके जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दो व्हिच आर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ देम। आपने केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन करते हो गया, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मेटल्स के अंदर जो से वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या कह रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से जहां मर्जी घूम फिर सकते हैं, किसके अंदर, कंडक्टर्स के। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर है वो रैंडमली इधर को मूव कर रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर है वो रैंडमली इधर को मूव कर रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे को जा रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर को जा रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, राइट, तो दीज आर फ्री, एक मेटल के अंदर फ्रीली घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बट जब हमने इस मेटल के क्रॉस, इस मेटल पीस के क्रॉस क्या किया, एक बैटरी लगाई, एक बैटरी लगाई, और यहां पर हमने एक स्विच रखा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके अंदर है, नेट चार्ज ऑन दिस वायर इज जीरो, बट जैसे मैंने यहां पर एक बैटरी लगाई पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसने क्या किया, बैटरी ने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट किया आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल वायर के अंदर क्रिएट हुआ दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। तो अब क्या हुआ, सभी के सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर थे, जो रेंडमली मूव कर रहे थे, वो सभी के सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डिफाइंड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए, और वो कौन से डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिए मूव करने, क्योंकि अब जैसे मैंने यहां पर इसको ऑन किया तो अब ये सभी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए, क्यों, क्योंकि दीज आर द नेगेटिव चार्ज एंड दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, और जब एक चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट।
तो मेटल्स के अंदर करंट को कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? मेटल्स के अंदर करंट को कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? दोज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या मैं कह सकता हूं करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं करंट को. किसके अंदर? मेटल्स के अंदर, सॉलिड के अंदर. अब अगर मैं बात करूं किसकी? इंसुलेटर की. अब वो कह रहे हैं कि जैसे इंसुलेटर होते हैं ना, अब आप सर इंसुलेटर के भी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट उसके जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पूरा बांध के रखा होता है सिलेंडर का, वो अलाउ नहीं करता कि उसके सराउंडिंग में वो घूम के जाए. समझ रहे हो? इसलिए ठीक है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. कौन? इंसुलेटर. इन जनरल फॉर एग्जाम्पल गुड इज इंसुलेटर, प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर. इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर भी है बट वो बॉडी के अंदर फ्रीली घूम नहीं सकता. दोस कैन नॉट फ्री मूव फ्री इन साइड द मटीरियल. यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है. नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक दैट आर लिक्विड. लिखो बेटा लिक्विड बनाओ और इसमें लिखो बेटा some liquids which allow electric current to pass through them, which allow electric current to pass through them and consequently 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 dissociates into ions are called electrolytes. Example, CuSO4 solution. Example, CuSO4 solution. AgNO3 solution. NaCl solution, H2SO4 solution, etc. एक लाइन छोड़ के लिखो. These electrolytes dissociate into positive and negative ions. Dissociate into positive and negative ions. Example. अब हमारे पास बेटा जब मैं इस liquid को salt, NaCl is common salt which we use in our household, right? अगर मैं इसको liquid के अंदर डालूंगा then thus NaCl will break down into two ions, that is Na positive and Cl negative. CuSO4, Cu two positive or one positive? Two positive. And NO3 two negative. Sorry. मैं चेक कर रहा था कि तुम ध्यान दे रहे हो. ठीक है. अच्छा. Ag positive. NO3 negative. H2. अच्छा हाइड्रोजन ऊपर कितना जा रहा है? H positive. तो दो हाइड्रोजन है, H positive हो जाएगा. दो आयन हाइड्रोजन क्या लेंगे और SO4 negative. SO4 यहाँ पे सब कुछ. अब होता क्या बेटा लिक्विड के अंदर, अगर मैं बात करूंगा बेटा वाटर की बात करता हूँ, ठीक है, आई टॉक अबाउट
वाटर. अगर मैं प्योर वाटर की बात करता हूं, प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर. प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर. प्योर वाटर में से करंट पास आउट नहीं करता. प्योर वाटर से करंट पास आउट नहीं करता. बट जो पानी हम यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, दैट इज नॉट प्योर H2O. उसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व्ड है, इट कंटेन्स सॉल्ट. पर जब मैं सॉल्ट को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करता हूं, इट ब्रेक डाउन इनटू आयंस. इट ब्रेक डाउन इनटू आयंस एंड दोज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दोज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वाटर नहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता. अब हमने अगर इस लिक्विड के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को डाल दिए, इलेक्ट्रोड्स मतलब दो रॉड्स को डाला, मेटल के रॉड्स को डाला, और इसके साथ एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, इसके साथ एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, एंड इसके दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl. NaCl सॉल्यूशन यानी कि पानी के अंदर नमक को डिसॉल्व कर दिया. जब हमने पानी के अंदर नमक को डिसॉल्व किया तो यहां पर इसके अंदर जो सॉल्ट्स हैं, ठीक है, दैट विल डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. और मैं जैसे ही यहां पर स्विच लगा हुआ है, और जैसे ही मैं यहां पर स्विच को ऑन करूंगा, नाउ दीज Cl नेगेटिव आयन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. तो यानी कि Cl नेगेटिव विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन. Cl नेगेटिव इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे. तो सभी से सभी Cl नेगेटिव स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन दिस इलेक्ट्रोड, एंड Na पॉजिटिव विल स्टार्ट मूविंग इन द टुवर्ड्स द नेगेटिव. नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे. और जब एक डेफिनाइट डायरेक्शन के अंदर चार्ज मूव होना स्टार्ट हो गया, नेगेटिव एक तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया और पॉजिटिव एक तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स करंट इन द लिक्विड. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स करंट इन द लिक्विड. तो यानी कि लिक्विड के अंदर करंट को कौन कंडक्ट कर रहा है? आयंस. पॉजिटिव चार्ज आयन का काल कैटायन, नेगेटिव चार्ज आयन का काल. जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? कटायन. दीज आर कॉल्ड अनायंस. दीज आर कॉल्ड अनायंस. नेगेटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड अनायंस. यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, तो लिखो इसी के अंदर ही, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मूव इन द डेफिनेट डायरेक्शन. Move in the definite direction constitute electric current. Constitute electric current. Full stop. Thus, positive and negative ions are the positive and negative ions are the current carriers. Is the liquid are the current carriers, are the current carriers in the liquid, in the liquid. Next liquid beta C part, that is gas. Gas. गैसेस में लिखो बेटा, जनरली गैसेस आर, जनरली गैसेस बिहेव एज
generally gases behave as insulators of electricity, but they get ionized, and become conductors at low pressure, and very high potential difference, applied across it. अब यहाँ पर बेटा दो लाइन्स को अंडरलाइन करो, दो वर्ड्स को अंडरलाइन करो, दैट इज लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल. लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल, ठीक है. फुल स्टॉप डाल के फिर आगे लाइन लिखो. आयोनाइज्ड गैसेस कंटेन पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स full stop. So these positive ions and electrons are the current carriers in gases. बेसिकली बेटा हमारे पास जो गैसेज है, नॉर्मल केसेस के अंदर हमारे पास जो गैसेज है, दोज आर इंसुलेटर्स. गैसेज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. आफ्टर लैक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वी आर एबल टू मेक अ ट्यूब लाइट विच वी यूज इन अवर हाउसेस. जो पहले बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट स्केल पर ट्रीटमेंट यूज होती थी, नाउ द डेज एलईडीज आर कमिंग, तो वी हैव रिप्लेस्ड यूज लाइट्स विद एलईडीज. उसका अगर देखने में तो कुछ ऐसी होती, आप अपनी ट्यूबलाइट देखी हो, अगर आप ट्यूबलाइट को कभी आपकी ट्यूबलाइट खराब हो जाती है और कभी आप उसको तोड़ते हो, यू विल सी कि उसके अंदर कोई मेटल नहीं होता. एक वो ट्यूब होती है और उसके अंदर कोई गैस भरी होती है, अंदर से वो हॉल होती है, खाली होती है. अब बेसिकली हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि जैसे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ट्यूब्स के अंदर ली, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स पर ली, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर ली, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन की गैसेस ली, और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स को लगाया, ठीक है, एक पॉजिटिव एक क्लोज चैम्बर के अंदर गैस को लिया, ठीक है, और गैस को फिल अप किया, और इसके क्रॉस यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, और यहां पर एक पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया और एक नेगेटिव टर्मिनल बना दिया, और डिफरेंट डिफरेंट गैस को पुट करके कभी लो पोटेंशियल लगाया, कभी 2 वोल्ट्स लगाया, कभी 10 वोल्ट्स लगाया, कभी 100 वोल्ट्स लगाया, कभी 1000 वोल्ट्स लगाया, डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी सी गैस को बाहर निकाल दिया, प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर गैस का बढ़ा दिया. तो आफ्टर लैक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वी हैव एबल टू सी कि हाँ भाई, अगर गैस जैसे इंसुलेटर है, चाहे मैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं तो भी वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, बट अगर मैं यहाँ पर गैस का प्रेशर कम कर दूं और वोल्टेज बहुत ज्यादा लगाऊं, तो यहाँ पर जो गैस होती है ना, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली वो ना गैस के मॉलिक्यूल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट वो क्या रहा है कि देखो इसके पास, जैसे यहाँ पर एक एटम की बात करता हूँ, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके सराउंडिंग में जो सा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर बाउंड है. पर वो क्या, अब यहाँ पर पूरी गैस है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, जब हमने गैस का प्रेशर बहुत कम कर दिया, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो गए, अकेले अकेले गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, अब जब वो अकेले अकेले हो गए और यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगा दिया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट. अब देखो अगर मैं एक इसकी बात करूंगा, यहाँ पर एक एलिमेंट की बात करता हूँ, अब इसके अंदर, ठीक है,
पॉजिटिव भी है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लगाई ये आपस में जुड़े हुए ये आपस में क्या हुए जुड़े हुए वो जोर से इन्होंने पकड़ा हुआ एक दूसरे पर। अब क्या किया मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लगाया जब यहाँ पर पॉजिटिव लगाया तो ये नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहा है पर इसकी तरफ जा क्यों नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव भी और पॉजिटिव को कौन खींच रहा है ये वाला नेगेटिव खींच रहा है बात समझ रहे हो ना ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि हाँ ये एक है तो बट जब यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने लग गया तो इनके अंदर खिंचाव होने लग गया क्योंकि नेगेटिव इधर आ गया खींच रहा है खींच के यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया ठीक है। पर हमने इतना ज्यादा पोटेंशियल लगा दिया तो क्या हुआ कि उसके एटम से ये इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल गया और एकदम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इसकी तरफ चले इनकी गैस क्या होगी आयोनाइज्ड होगी। एक पॉजिटिव आयन बन गया एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया एक पॉजिटिव आयन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इट इज समथिंग लाइक दैट कि हाँ भैया यहाँ पर एक बंदा खड़ा है ठीक है और उसको दो जने खींच रहे हैं ठीक है एक इधर को खींच रहा है और एक इधर को खींच रहा है खींचते ठीक है बंदा तो हाथ से जुड़ी हुई और वो इतना ज्यादा फोर्स लगा दे अब क्या हो रहा है बंद निकल जाएगी कुछ ना कुछ तो होगा है ना टूट जाएगा वो दो किसी में तो हो जाएगा ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि गैस विल बिकम आयनाइज्ड। अब सबसे पहले कंडक्टर के अंदर चार कैरियर्स कौन है कंडक्टर का मतलब दैट इज सॉलिड्स के अंदर चार कैरियर कौन है फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर नहीं करते। लिक्विड्स के अंदर आयंस कौन से कौन से हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी यानी कि कैटायंस भी और अनायंस भी दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और गैसेस के अंदर कौन कंडक्ट करता है बोथ नॉट बोथ आयंस इट इज पॉजिटिव आयन दैट इज कटायन एंड इलेक्ट्रॉन अनायन का नंबर क्लियर है बेटा सभी को ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि करंट कैरियर्स कौन है डिफरेंट सॉलिड्स के अंदर गैसेस के अंदर और लिक्विड्स के अंदर तो अगर अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा ठीक है। हमने गैसेस के बारे में लिख लिया था ओके ठीक है। नेक्स्ट ये बेटा लिखो डेफिनेशन ऑफ करंट ठीक है करंट का डेफिनेशन लिखो बेटा। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड as the amount of electric charges flowing through any cross section of a conductor per unit time पर यूनिट टाइम और एक डेफिनेशन लिखो एक छोड़ के इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ electric charges through cross section of a conductor बेटा हमारे पास एक वायर है ठीक है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा अगर लेट्स से एक स्ट्रेट वायर है तो इसको ऐसे बीच में से काट देता हूं ठीक है। अगर लेट्स से ये मेरे पास पेन है राइट इस पेन को अगर मैं बीच में से काटता हूं
ठीक है, तो इसका शेप कैसा आएगा क्रॉस सेक्शन का, सर्कल आएगा। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास ये वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करके काटता हूँ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा, एक सर्कल आएगा। सभी को क्लियर होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी सर्कल। या मेरे पास यहाँ पर मेरे पास एक वायर है बेटा, अगर आप देखोगे एक वायर के अंदर भी देयर आर नंबर ऑफ वायर्स, ठीक है, इन वायर देयर आर नंबर ऑफ वायर्स, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा देयर आर टोटल नंबर ऑफ 8 वायर्स इन दिस सिंगल वायर, राइट। अब अगर मैं इस वायर को बेटा देखता हूँ, एक पतली सी वायर को देखता हूँ, राइट, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एक सर्कल है, विच इज अ वेरी स्मॉल सर्कल, विच इज अ वेरी स्मॉल सर्कल, ठीक है। Now, this circle may say, this circular cross section may say, हमने बोला कि फ्लोस चार्जेस करें, तो एक बार मैं बोल सकता हूं कि करंट जितना ज्यादा चार्ज निकलेगा, जितना ज्यादा चार्ज निकलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, करंट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। और दूसरी बात, वो चार्ज जितनी जल्दी निकलेगा, जैसे मैं कहता हूं कि इस वायर में से करंट करंट निकला, चार्ज निकला 100 कूलम चार्ज निकला, एक केस में वो 100 कूलम चार्ज निकला 20 सेकंड, उसको 20 सेकंड लगे 100 कूलम चार्ज को निकलने के लिए, और दूसरे केस में वही 100 कूलम चार्ज लेट से निकल गया 2 सेकंड में, बाहर निकल गया 2 सेकंड में, तो यानी कि करंट किसमें ज्यादा हुआ, जिसमें वो कम टाइम में चार्ज निकला, ये बात समझते हो, यानी कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बात समझ रहे हो, ठीक है। लेट से अगर मैं बोलूं कि आपको एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जैसे 100 मीटर का रेंज है, जो बंदा ठीक है जितने कम टाइम लेगा 100 मीटर कंप्लीट करने में, उसका स्पीड उतना ही क्या होगा, ज्यादा हो, उतने स्पीड उसका ज्यादा हो। सिमिलरली जो चार्ज, जो क्यों चार्ज होने में अगर टाइम ज्यादा लगता है तो करंट कम होगा, अगर वही चार्ज कम टाइम में जाता है तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से हमने जब फॉर्मूला देखा करंट का, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और कूलम के यूनिट्स क्या है, चार्ज की यूनिट्स क्या है कूलम, और टाइम की यूनिट्स क्या है सेकंड। तो यानी कि मैं करंट की यूनिट क्या है 1 एम्पियर, एंड 1 एम्पियर कब होगा, जब मेरे पास क्यू का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और टाइम का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1 सेकंड हो जाएगा। तो यानी कि 1 एम्पियर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड। जब एक वायर से 1 कूलम चार्ज निकले कितने टाइम में, 1 सेकंड में निकले, तो मैं करंट की बात करूंगा, दैट इज करंट इज 1 एम्पियर, देन करंट इज 1 एम्पियर। नाउ अब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज की वैल्यू, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया हुआ, हाँ, और क्यू का वैल्यू किसके इक्वल होता है, नाउ क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, चार्जेस क्वांटाइज। तो यहां पर बेटा अगर मैं क्यू का वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो करंट का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, वेयर ई इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहां तक सभी को क्लियर, ठीक है, इस सारे, अच्छा एक और बात, ठीक है, ये करंट का फॉर्मूला हो गया, ये करंट का यूनिट हो गया, दिस इज यूनिट ऑफ करंट, दिस इज यूनिट ऑफ करंट। अच्छा इसके ये तो एक यूनिट हो गया, अगर ऐसे मेरे को करंट चाहिए छोटे यूनिट्स के अंदर, छोटे यूनिट्स के अंदर करंट के क्या यूनिट्स होंगे, दैट इज 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, नहीं सॉरी दिस इज 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज 10 माइक्रो 10⁻¹⁰ एम्पियर। अच्छा अगर बड़े यूनिट्स की बात कर रहे हैं, दैट इज 1 किलो एम्पियर, 1 किलो